इनके लब रंगी की मिठावर थी के जिसने आवाम के सामने भी यानी बाहर वो सिगरेट वगैरह पीते हैं और अपने हो जाए यानी लोगों के अंदर मशहूर है कि वो सिगरेट पीते हैं, तो ऐसी सूरत में उनकी इमामत हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? तो सिगरेट का पीना ये गुनाह तो नहीं है, और इसी तरह बीड़ी वगैरह का, हुक्के वगैरह का पीना भी ये गुनाह नहीं है। तो इसलिए इमाम अगर कोई ऐसा है कि जो बीड़ी सिगरेट या पान वगैरह या तंबाकू वगैरह ये पान के अंदर होता है, खाता है, तो इस सूरत में उसकी नमाज जो है वो ये इमामत कर सकता है, उसकी नमाज हो सकती है। लेकिन इसमें एहतियात ये है, और ये एहतियात उलमा या इमाम कहलाने वाले करते ही हैं कि वो जब नमाज का वक्त होता है या मस्जिद में हाजिरी का वक्त होता है उसके ऐन फौरन पहले उसके नहीं पीते, शायद कि जब उनको फौरन मस्जिद में जाना पड़े पहले से पीते हैं इस तरीके का मामला कि जब नमाज का वक्त आसपास नहीं होता। तो खैर इमाम हो या मुक्तदी हो, किसी को भी बीड़ी सिगरेट पी के जब उसके मुँह में बदबू हो मस्जिद में जाना ये हराम है, और इसमें इमाम की कैद नहीं है कि इमाम ही को हराम है, सब को हराम है। तो लिहाजा नमाज से पहले अगर किसी इमाम ने सिगरेट पी तो उसको चाहिए, बल्कि उस पर फ़र्ज़ है कि मुंह को अच्छी तरह साफ़ करे, उसके बाद ही नमाज पढ़े या मस्जिद में जाए या सुन्नत वगैरह पढ़े, और बदबू के साथ ना जाए। बाकी इमामत हो सकती है, इमामत के मनसब से सिगरेट पीने की वजह से किसी इमाम को हटाया नहीं जा सकता। किसी को महसूस होता है कि वो सिगरेट पी के डायरेक्ट मस्जिद में आते और मुँह में उनके महक रहती है सिगरेट की, तो उनको इस चीज़ पर टोका जा सकता है कि मस्जिद में बदबू के साथ आना हराम है। तो ये एहतियात ये करनी चाहिए कि सूरत में मुंह को अच्छी तरह साफ़ करने के बाद ही आएं, बाकी इमामत उनकी बाकी रह सकती है। पत्थर में हसन लाले पुरनवार।